हे प्रभु, हे ईश्वर, हमेशा गर्दी रखना। मक्खी चूस मारवाड़ी सेठ से लोन लिया है और ये बाकड़ा लगाया, अगर धंधा नहीं हुआ तो खाखरा भी नहीं खा पाऊंगा और आपसे नाराज होके मुंह फुला के बैठ जाऊंगा, वो भी यहाँ नहीं आपकी दान पेटी के बाहर। मारी वार्निंग छे, ठीक है? नारियल ले लो, मलाई ने पानी वाला। जय हो, नारियल तो ताजा है ना। हाँ। आज मैं 3 नारियल फोड़ूंगा क्योंकि आज मेरी मन्नत पूरी हुई है। अरे हंस के रहा है, नारियल दे। हाँ। मैं ही ले लेता हूँ। बिना पैसे दिए मेरे नारियल फोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? पैसा निकाल। अरे भगवान के काम में कोई पैसा लगता है क्या? लेकिन मैं तो पैसा देकर लाया हूँ ना। हाँ तो पैसे क्यों दिया, लोन ले लेता। जॉक मारेगा मैं तो नारियल फोड़ दूंगा, इधर उधर नहीं, मार देते। आया बड़ा भग कहेंगे क्या आंखें? उसके भक्त को नाराज किया तो स्वामी भी नाराज हुआ, पैसे मांगेगा तो पाप लगेगा। आ तो गंडो छे, फ्री में नारियल ये फोड़ के गया और पाप मुझे लगेगा? लगता है आज धंधे में बोनी नहीं होनी। जय हो स्वामी की। स्वामी की जय हो, शकल से पवित्र लग रहे हो, 5 मिनट पहले आना चाहिए था ना। नारियल कैसे दिया? एकदम सस्ता, 25 नु 1। 4 रुपए दूंगा। इतने कम में बेचूंगा तो आपकी तरह मुझे भी टकला करवाना पड़ेगा ना। ठीक है, 20 दे दो। 5 दूंगा। अच्छा 15 दे दो। 6 दूंगा। 10 में मफत डिलीवरी, महंगा है। 6 ही दूंगा। अबे टकलू, भाव इतने धीरे धीरे बढ़ा रहा है जैसे तेरे सर के बाल हो। अपने बदन पे इतना चंदन चिपका के घूम रहा है जैसे चंदन के साबुन की फैक्ट्री खोली हो। चंदन के पैसे नहीं दिए क्या? ठीक है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। वाह सुन, वाह, 6 रुपए। अब तेरी साथ पूछते टकली पैदा हो। क्यों रे टकलू, बाल के साथ दिमाग भी गायब हो गया क्या? फोड़ दूंगा। नारियल को बम की तरह पकड़ा है। ए नीचे रख। रुक, नारियल कहाँ लेके जा रहा है? इस नारियल पर मेरा नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? दुनिया के सब गांडा भाई मेरी दुकान में आ रहे हैं। तोड़ दूंगा खोपड़ी के साथ नारियल। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ क्या? अब दिखाता हूँ उल्लू क्या कर सकता है। ये तुझे गाड़ दूंगा। ये क्या यार, ये नीचे वाले आदमी को चीखना चाहिए पर ये ऊपर वाला क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि आजकल पूरा सिस्टम उल्टा है। क्या नीचे से चुबा रहा है, दर्द हो रहा है। मम्मी मरी गया, चल आज तुझे माफ किया। हाय, बड़ी मुश्किल से मोटे को गिराया था लेकिन दर्द मुझे हुआ। ये था दर्द का राज, इस छुरी से छेद कर रहा था। अच्छा हुआ तेरे पास बड़ी तलवार नहीं है क्योंकि इससे तूने इतने छेद किए कि मैं सांस कहाँ से लूँ। और खैर जाने दे, छेद छेद पे लिखा है छेद करने वाले का नाम। क्या यार, यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार, मेरे 2 तेरे 4, ये तो है इमोशनल अत्याचार। आप तो जा यार, जाने जा, जा भाई। अगर आज के बाद नारियल बेचता नजर आया तो ट्यूब की तरह पंचर कर दूंगा। पंचर? अब तो ट्यूब ही बदलवानी पड़ेगी। तू जाना यार, जा पूजा कर, जाना यार, जाना। ए माँ, बवासीर हो जाएगा, साह पाइल्स क्लिनिक जाऊ पड़ से। डॉक्टर, चेक भी आपका है और साइन भी आपका है। ये कैसे हो सकता है, मैं तो 2 दिन से घर के बाहर ही नहीं निकला। सर, किसी ने जब्त चेकबुक से चेक निकाल लिया, आपके जाली सिग्नेचर किए। जब बैंक मैनेजर ने मेरे सीक्रेट नंबर पे फोन किया तो किसी ने मेरी आवाज में उससे बात की। जब जॉइंट डायरेक्टर से मैंने कंप्लेंट की तो उसने बताया कि उनके रिकॉर्ड्स में उस चेकबुक का कोई जिक्र नहीं है। ये कैसे हो सकता है, किसका काम हो सकता है ये? आपकी बेटी आ रही है। बेटी के सामने इसकी क्या जरूरत है? सीबीआई की रेड का मेरे ऊपर क्या असर पड़ा, ये तो उसे समझना ही पड़ेगा ना। क्या एक्टिंग है? बेटी,
कौन है वो? SP1 CBI इकोनॉमिक ऑफेंसेस। मेरे पापा की ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं डॉक्टर हूँ। मुझे सीधा जवाब सुनने की आदत है। मैंने कुछ टेढ़ा कहा? जानते हो मैं कौन हूँ? PM हो क्या इस देश की? मेरे हर सवाल के बदले में एक और सवाल। जवाब नहीं है तुम्हारे पास, मुझे निकलवाने के लिए फोन कर रहे हो? मुझे चाय पीनी है। मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। इतना गुरूर किस बात का है? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। तो क्या कहूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले? ओहो, एक और सवाल। ये तुम्हारे पोस्ट का कसूर है, सपने में भी इंट्रोगेशन करते होगे। अब मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे पापा को झूठे केस में क्यों फंसाया? तुम सच्चाई जानती हो? मेरे साथ गेम मत खेलना। तुम्हें ये प्लेग्राउंड लगता है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा गेम ओवर अभी कर सकती हूँ। गो अहेड। मगर तुम्हें उधर देखो, तुमने अंदर जो भी ड्रामा किया, अपने कपड़े फाड़े, सब कैमरा में रिकॉर्डेड है। इसे अरेस्ट कर लो। स्माइल, गुड शॉट। बकवास एक्टिंग। समझ नहीं आता सर, अगर ये इंसान का काम है तो फिर ये ईश्वर की आड़ क्यों ले रहा है? अपने बुरे वक्त में कोई भी इंसान हमेशा सिर्फ भगवान से उम्मीद लगाए रखता है। आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता, खासकर जब इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। बेटी की ससुराल वालों ने उसे चेन ना मिलने पर घर से निकाल दिया। मैंने कांता स्वामी से प्रार्थना की और चेन मिल गई। जरा वो चेन मुझे दिखाएंगे? आप कौन हो? ये पुलिस वाले हैं। आप भगवान पर भी शक करोगे? मामला गड़बड़ हुआ, यहां से निकल चलते हैं। चेन नहीं चाहिए, सिर्फ फोटो लेनी है। लगता है भगवान ने सर्राफा बाजार में आके खुद सोना खरीदा है। आज सब सर्राफा बाजार जाएंगे, एक एक ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करेंगे। यह भगवान का काम नहीं है, एक आम इंसान का काम है। सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो यह कोई बहुत बड़ा दानवीर कर्ण है, या फिर कोई चिंदी चोर। पैसा हो या फिर सोना, कोई ऐसे ही नहीं लुटाता है। अगर आपको कोई समस्या है तो पुलिस के पास आइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तू ही थोड़ी एक्टिंग सीख ले। उन्हें लगता है ये हमारा ही पैसा है। रेड मारने वाला CBI ऑफिसर कांता स्वामी IPS। यहाँ भी कांता स्वामी, मंदिर में भी कांता स्वामी, कुछ तो कनेक्शन जरूर है पापा। मैं इस कंट्री का नंबर वन किलर हूँ, मेरी प्लानिंग ही मेरी स्ट्रेंथ है। उसे मारना आसान नहीं होगा। एक संकी को हैंडल करना आसान है, पर शांत दिमाग को टैकल करना एक चैलेंज है। मुझे चैलेंज पसंद है।
भाई उड़ा दिया उसको। Yeah!